ना तुम्हारे जैसा हम कोई दूसरा नहीं देखे, क्योंकि हमारे जैसा और कोई दूसरा है नहीं। सो गाइस, इस वाली वीडियो का एडिट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है गाइस, यहाँ पे जो आप लोगों को मतलब कि जो भी मैं बैकग्राउंड मतलब कि स्टॉक वगैरह यूज करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप सभी को, तो आपको सबसे पहले VN एप्लीकेशन को ओपन करना है, इस वाली वीडियो को डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेना है। देन आपको एड वीडियो में जाके गाइस आप लोगों का अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है यहाँ पे, जैसे गाइस यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपनी वीडियो को, ठीक है, मतलब कि जो भी लास्ट में आप ऐड करने वाले हो वो वीडियो। एंड उसके बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट होगा उन सबको डिलीट कर लेना है, जैसे गाइस इसमें मेरे में मतलब कि बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट है तो मैं उनको डिलीट कर दूंगा, और बाकी जो मैं लास्ट में अपना 2 से 3 सेकंड का यहाँ पे पार्ट रखना है गाइस, ठीक है, यहाँ पे जो बाकी का मैं एक्स्ट्रा वाला डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए गाइस यहाँ पे इतना मैंने कर लिया है, तो इसके बाद आप लोग करने के आप सभी को जो पहले इन सभी का जो ऑडियो है म्यूट कर देना है, ठीक है, ऑडियो क्योंकि हम ऐड करेंगे तो ऑडियो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ से जो हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसको ऑडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे गाइस, ठीक है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑडियो हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से। तो अभी हम इसको एक बार रिप्ले करके देख लेंगे कि कैसी लग रही है यहाँ पे वीडियो, तो अभी तो बहुत बोरिंग लगेगी क्योंकि हमने इसमें अभी कुछ ऐड ही नहीं किया, तो अभी हम पहले वीडियो को टैप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एंड उसके बाद इसमें जो है पहले हम इफेक्ट लगाएंगे ये वाला, ठीक है, एंड इसका जो है हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से फोटोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक मून का फोटो दे दूंगा मैं, ठीक है, उसको आपको ऐड कर लेना है। देन इसके बाद इसका आपको ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है यहाँ पे, सो मैं इसे ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम, यहाँ पे स्क्रीन रख लेंगे एंड इसको जो है हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा इतना हो चुका है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है मास्क वाला ऑप्शन में, एंड इसके बाद आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसको आपको नीचे लेके आके स्मूथ कर देना है, एंड इसके बाद इसमें भी सेम वही इफेक्ट डाल देना आप सभी को, ठीक है, जो भी हमने डाला था इसमें वीडियो में डाला था जो, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हम इसका साइज बढ़ा लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद एडजस्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाने के बाद आपको HSL में चले जाना है। यहाँ पे गाइस आपको अपनी वीडियो के हिसाब से आपको कलर ग्रेड करना है, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सेम तो हो नहीं सकती ना, क्योंकि सबकी वीडियो सेम तो होगी नहीं, तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। बाकी म्यूजिक के हिसाब से आप लोग यहाँ पे वीडियो की लेंथ रखनी है, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बीच में एक स्प्लिट और लगाना है यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है, मैं ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे भी जो हमने जो PNG लगाया था उसमें भी यही इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे फोटो जो हमने लगाया था PNG इसको भी इसमें भी इफेक्ट ऐड कर लेते हैं, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा ये। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा इतना हो चुका है, बाकी आज की हमारी वीडियो यहीं से थी, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।